खबर शामिल करते हैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के वस्त में खूबसूरत लोकेशन पर कश्मीर ट्रैवल एंड मनी ट्रांसफर का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह की तकरीब में एमडी असलम जलाल, चीफ ऑर्गेनाइजर मारूफ जर्नलिस्ट इब्राहिम फैज जलाल, तनवीर जलाल और दीगर पाकिस्तानी कश्मीरी कारोबारी, सियासी, समाजी, सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर केक काटा गया। तकरीब में शरीक मेहमानों की लजीज पकौड़ों, समोसों, जलेबी और कोल्ड ड्रिंक से तवाजिया की गई। तमाम अहबाब ने इब्राहिम फैज और असलम जलाल साहब को नया कारोबार शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ अल्लाह ताला से कारोबार में तरक्की और बरकत की दुआएं दी। असलम जलाल और इब्राहिम फैज साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा दिगर तमाम कम्युनिटीज़ को सस्ते तरीन रेट्स पर टिकट्स फ्राहम करने की कोशिश करेंगे और साथ मनीग्राम के ज़रिए पैसे भेजने वालों को मुनासब रेट तरीन रेट लगाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी काम का आगाज़ अच्छी नीयत, ईमानदारी और आवाम के तामुन से किया जाए तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है। आखिर में उन्होंने दुआ और तआवुन की अपील भी की और कहा कि ये कम्युनिटी की अपनी दुकान है, हम कोशिश करेंगे किसी को मायूस ना करें। मजीद तफसीला जानते हैं सवेरा टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन से। जी यामीन, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में और इस वक्त मैं यूनान के मेन बाज़ार जो मोनिया जिसको कहा जाता है वहाँ पर मौजूद हूँ और आज हम एक नई शॉप का मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिसका नाम है कश्मीर ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफ़र। और आइए हम उनके जो मालकान हैं उनसे बात करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान एक नई शॉप जो है मुतारफ़ कराने जा रहे हैं कि ये कब से उनका प्लान था और आज जो है उसका वो इफ्तिताह होने जा रहा है। आइए उनसे बात करें। अच्छा, ये दुकान बनाई है आप सब भाइयों के लिए? तो ये काफ़ी अरसे से मैं और इब्राहिम भाई प्लान कर रहे थे कि हम कोई पाकिस्तानियों के लिए अच्छा सा ना पैकेज लेके आएँ। तो ये मनीग्राम और ट्रैवल एजेंसी, कश्मीर ट्रैवल एजेंसी एंड मनी ट्रांसफ़र के नाम से दुकान बनाई है। ये आप भाइयों के लिए बहुत ही हम कोशिश करें कि हर 5-6 माह के बाद कोई पैकेज छोटा मोटा लाते रहें यहाँ पे। इसके अलावा आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इधर इस खुशी के मौके पे आए हैं और हमारी हौसला अफजाई की है और उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी भाई आइंदा भी हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज ग्रीस इथन दे विच मेन जड़ा पीरियस रोड है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे कश्मीर ट्रैवल साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त ने इब्राहिम फैज साहब, बल्कि यूनान के नहीं पूरे यूरोप के जड़े ने अपने मशहूर मरूफ ने। तो बड़ी खुशी हुई है यामीन साहब, चलो बिल्कुल एक तो करीब तरीन है रोड दे ते असी जनाब इंशाल्लाह दिल दियाँ ठा गहराइया तो इन्हों का वेलकम करने हैं ते दुआ भी करने अल्लाह रब्बुल इज्जत अगे कि अल्लाह ताला इन्हां दे कारोबार च बरकत और तरक्की अता फरमाए। आज हम कश्मीर मनी ट्रांसफर के सामने खड़े हैं। आज इस चैनल का इब्तदा है दुकान का, तो मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और ये बाइतमाद एक अदारा है और बहुत ही अच्छे नौजवान हैं जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया है। आप इनके हक में दुआ भी करें और इंशाल्लाह आपको सस्ती टिकटें मिलेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत खुशी की बात है कि आपने एक नई शॉप मुतारफ़ कराने जा रहे हैं यूनान में। क्या ये कब से आपका प्लान था ये इसके बारे में और आप मैं ये बता दें, एड्रेस बता दें कि कौन सी जगह पे ये शॉप है, मैं नाजी को ये बता दें। यमीन, इस वक्त जैसा कि आपको पता है इस वक्त एथेंस के मरकज़ में हम मौजूद हैं, स्पेशली पाकिस्तानी बाज़ार जिसे कहा जाता है मीनांद्रो, ये इसके पीछे बैक साइड एग्जैक्ट सारी मीनांद्रो है, पाकिस्तानी बाज़ार ही है। और इस वक्त क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि पुलिस की काफ़ी सख्ती थी, कंट्रोल काफ़ी था, जिसकी वजह से हमारे लोग हैं जो वो इस बाज़ार से थोड़े दूर हो रहे थे, लेकिन इस बाज़ार की रौनकों को बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि पिछले 25 साल से हमने ये कोशिश करके, पहले पीरिया बाज़ार होता था, अभी अमोनिया बाज़ार आबाद हुआ था तो लोग भाग रहे थे, लेकिन हमने दोबारा यहाँ पर बिल्कुल मरकज़ पर आए। ये सामने आपके पीरियोस है
ये सोफोक्लियोस है और जितना भी सबसे मारूफ बिजनेस है या बिजनेसमैन हैं वो सारे हमारी बैक साइड पे मौजूद है। सो जिस वक्त आप पीरिया से आते हैं तो आपके राइट हैंड, और जिस वक्त 49 बस जो है वो यहाँ से लेफ्ट होती है, तो बिल्कुल मरकज़ में है ये सोफोक्लियोस और पीरियोस के। और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र के अलावा ट्रैवल एजेंसी होगी जिसमें अच्छी से अच्छी चीप से चीप टिकट्स हैं जो वो फ्राहम की जाएंगी, और बड़ी इजी एक्सेस है। तमाम लोग जितने भी हैं जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा सख्ती की वजह से इस वक्त पिछले बाज़ार मीनान्द्रों में नहीं जा रहे, यहाँ आ सकते हैं। सामने बस का जो मेन स्टॉप है वो है, साइड पे जो स्क्वायर है अमोनिया का वो मौजूद है, और पीरियोस से बिल्कुल फ्रंट पे कश्मीर ट्रैवल एंड मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज जो हैं वो हमने की है। और जहाँ तक बात है कि कब से सोचा हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, मैंने 98 से बिज़नेस करना शुरू यहाँ पे किया था, और बाद में मीडिया की कुछ सर्विसेज देने के लिए मैं पाकिस्तान चला गया था, तो अब आया हूँ। पहले यहाँ की एक बहुत ही मकबूल और जो नेशनल कंपनी है कोजमोते प्रोग मोबाइल वो भी हम कर रहे हैं, उसके साथ ये जो ताज़ा तरीन कश्मीर मनी ट्रांसफ़र और ट्रैवल की सर्विसेज हैं ये हम इंशाल्लाह मौजूद में देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ट्रैवल एजेंसी के मालकान, और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे चैनल की तरफ से, इनको ढेरों ढेर मुबारकें और ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। जी खबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त, अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।